कोशिश करूंगा कि रोस्ट ना हो जाए, सिर्फ एक अपडेट रहे आपके लिए। लेकिन इसके नाम से जो है ना अंदर की आत्मा जाग जाती है। काफी टाइम हो गया था टीवी नहीं देख रहा था, लगभग 2 साल हो गया टीवी को छोड़े हुए बिकॉज ऑफ कोरोना का न्यूज, और उसके बाद से पूरे तरह से टीवी बंद। फिर उसके बाद से जो है टीवी देखना शुरू किया। यही रीजन है जिसके वजह से लास्ट टाइम जो है बिग बॉस का अपडेट बंद कर चुका था बिकॉज ऑफ पर्सनल इश्यूज। तो बहुत हो गया भंडी रोना, अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। हाँ बिल्कुल, आपने वही सुना है जो आप अभी सोच रहे हो, लेकिन मैंने वो बोला नहीं है। तो भाई वूट सेलेक्ट पे जाकर के उट कर रहा था और देखा कि झलक दिखलाजा में थंबनेल पे बना हुआ है मिस्टर फैजू। भाई कैसे, देखो इससे पहले लास्ट ईयर मैंने उसको देखा था एक वेब सीरीज में, अब वो वेब सीरीज का नाम याद नहीं है, आप लोगों को याद हो तो कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना। फ्लैशबैक हटाते यार, तो देखा झलक दिखलाजा में उसका परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस देखते देखते सबसे पहले दिल को थोड़ा करार आया। वैसा वाला नहीं जैसा वाला तुम सोच रहे हो, नूरा फातेही को देख करके कि भाई नूरा फातेही जज के रूप में बैठी है। अब मुझे नहीं पता वो जज के रूप में आई हुई है या कुछ ही दिन की मेहमान है और फिर गायब हो जाएगी नाचने के लिए। तो भाई फैजू भाई आए और डांस स्टार्ट किया। डांस को जब मैं देख रहा था तभी मैंने बोला यार ये बंदा डांसर है, किस एंगल से है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर साला ये डांसर है ना तो मैं डीआईडी का ग्रैंड मास्टर हूँ। क्या बात कोई शाक। तो गाना था कर्स फिल्म से उठाया हुआ एक हसीना थी, उस गाने को जो है जैसा भी था ठीक ठाक से परफॉर्म कर दिया। और जिस पॉइंट को मैंने सबसे ज्यादा नोटिस किया उस पॉइंट के ऊपर तीनों जजेस ने कुछ भी नहीं बोला, नथिंग। कैसे साला कैसे। वैसे उस पॉइंट के लिए जो मैं ट्रूली अप्रिशिएट करना चाहूंगा वो पॉइंट क्या है बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो छोड़ के भागना नहीं। तो भाई इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद से करण जौहर ने बोला मसाला है मसाला, वाह क्या डांस है, इसको कहते परफॉर्मेंस, एक मसाला मूवी वाला जो चुत। यही वजह है जिसके वजह से इसकी फिल्में पिट जाती है आजकल। और ये बंदा अगर मिस्टर फैजू को इतना लाइक कर रहा है ना, उसके पीछे के दो कारण है। दूसरा कारण ये है कि इसको एक नया स्टार मिल गया है, हाँ इसके हिसाब से स्टार ही है, और उसको वो लॉन्च करेगा अपनी अगली फिल्म में। अब सोच रहे हो पहला कारण क्या है, एक मीठे का मीठे के साथ में क्या रिश्ता हो सकता है। कंट्रोल उदय कंट्रोल, बाय द वे मेरा नाम उदय नहीं है। तो भाई उन्होंने कह दिया कि ये है मसाला एक्ट। वहीं पे माधुरी मैम जो थी उनका कहना था बेटा थोड़ा एक्सप्रेशन पे ध्यान देना, एक्सप्रेशन पे मैम कभी इनका रील्स देख लेना, एक्सप्रेशन में किंग बंदा, बस नाचना ही नहीं आता। हाँ कच्चा बादाम पे नचवा लो, लड़की से अच्छा मटकाएगा ये। अंजलि, अरे नहीं मैं सुनील शेट्टी नहीं हूं। उसके बाद से नूरा फाते ने जो कमेंट पास किया, पता चलता है कि आपका करियर जो है क्या है एग्जैक्टली। नहीं नूरा फातेही का कहना था कि रील्स को देख करके लोग कहते हैं कि ये 15 सेकंड 30 सेकंड में जो भी करके दिखाते हैं वो कोई टैलेंट थोड़ी ना है, लेकिन आपने ये प्रूफ किया है कि वो भी एक टैलेंट है और इसमें भी एक करियर है। हाँ फैजू भाई को देखने के बाद मैंने भी सोच लिया है कि लुंगी पहन के कच्चा बादाम करूंगा भले से मेरा अखरोट फूट जाए, मुझे भी झलक दिखला जा मैं जा करके ऐसे ही नॉनसेंस डांस जो करना है। मेरी बात को सीरियसली मत लेना, मैं मजाक कर रहा। तो आते हैं उस पॉइंट पे जहां पे इनको सच्ची में दिल से अप्रिशिएट करने का मन किया, जहां पे मैं अपने नाम के जैसे पूरा जीरो रहा, पूरा न्यूट्रल रहा, और ये सोचा कि बंदे ने उस टाइम पे कम से कम कुछ ढंग का काम किया है। देखो जैसे एक्ट खत्म होता है उसके ऐसे गन शॉट रहता है, वो गन उठा करके उसको मारना रहता है, और उसके बाद से जब वो उठाने के लिए झुकता है उसके हाथ से 2 बार वो गन मिस हो जाती है। देखो मैं समझ सकता हूं स्टेज पे जाकर के परफॉर्म करने का जो प्रेशर होता है वो, और वहीं पे जो है आप एक कमरे के अंदर में बैठ करके बकवास कर लो भले से कितना भी, जैसे अभी मैं कर रहा हूं या फिर जैसे रीलर्स लोग करते हैं 30 सेकंड वाला एक्ट, लेकिन जब स्टेज पे जाकर के परफॉर्म कर रहे हो तो उसका प्रेशर समझ में आता है। उसके वजह से बंदे के हाथ से 2 बार गन स्लिप हो गया, लेकिन बंदे ने 3रे बार में साउंड के साथ में मैच करने के लिए बंदे ने धाए हाथों से ही चलाया, बिल्कुल ऐसे ही चला दिया। वहां पे उनका वो टैलेंट काम आया जो कि रील में जा करके ऐसे ऐसे करके भी गन चलाते, ऐसे करके भी चलाते, ऐसे करके भी चलाते, पता नहीं कभी कभी लात मार के भी चलाते। तो भाई वहां पे ये काम आया, और सच बताऊं दिल से बताऊं तो वहां पे अप्रिशिएट करने का मन किया, लेकिन गुस्सा इस बात पे आया कि 3 के 3 जजेस उस जगह पे पूरे अंधे हो गए, मतलब पूरी 150 करोड़ जनता देख पा रही है, बस तुम ही 3 नहीं देख पा रहे हो कि यहां पे फैजू मियां जो है जहां इतना चाहता वहां पे कम से कम ये कह देते कि वो जो लास्ट में आपसे गलती हुई वो आपने बहुत अच्छे से संभाला और उसके लिए अप्रिशिएशन तो बनता है। इतना कहे होते ना तो आपका पूरा जजमेंट, पूरा का पूरा जजमेंट भाई एक अलग लेवल पे होता। पता है इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे लोग कहेंगे जलता है तू साला मजनू। नहीं मैं नहीं जलता, मैं बिल्कुल नहीं जलता, जो फैक्ट था मैंने वही बताया है। सो बस यही था मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन उस एक्ट के बारे में। लेकिन उस एक्ट के अलावा जो है एक और दमदार सा एक्ट था जो कि हमारे छोटे रफ्तार मियां थे यार, उसमें नहीं समझ में आ रहा है किसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि उसके बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन वीडियो लेकर के आऊं तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। बाय द वे मोनिश पॉल भी सोच रहा होगा साला किस किस लोगों को आजकल मुझे होस्ट करना पड़ रहा है।